हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी टाइपिंग के कुछ कोड्स। दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल हिंदी के टाइपिंग में काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए ये आना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पंचायत सचिव जैसे परीक्षाओं के लिए। झारखंड में अभी पंचायत सचिव की परीक्षा चल रही है और उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इन सब की जानकारी लेने के लिए कैसे आप अच्छे से अपना टाइपिंग स्किल सुधार सकते हैं, और किस प्रकार के कोड्स का यूज करके आप अपने टाइप किए हुए प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक इसे ज़रूर देखिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में चंद्र बिंदु के लिए कोड पूछा जाए तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो है Alt+0161। Alt+0161 कोड है चंद्र बिंदु देने के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है कि आपको चांद लिख दिया जाएगा और फिर पूछेगा कि चांद के ऊपर में जो चंद्र बिंदु है इसके लिए क्या कोड यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो कोड यूज होगा वो होगा Alt+0161। और इसी तरह के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जिसके लिए हम कोड को जानेंगे, जिसको बिना कोड के उसे लिखना असंभव सा हो जाता है। तो आइए उन वर्ड्स को देखते हैं। अगला है ख्र, यानी कि आधा ख और पूरा र। अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा ख्र। और जैसे यहाँ पे मैंने विवरण में फख्र लिखा है, तो फख्र यानी कि फ इसमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ अक्षर पे आपको ध्यान देना है। ख्र ख्र लिखने के लिए आपको Alt+0163 का कोड यूज़ किया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्ज़ाम्स के लेवल टफ होते जा रहे हैं, तो इसे देखते हुए इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि फ़ख्र में ख्र कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम लोग कोड यूज़ करेंगे Alt+0163। नेक्स्ट है त्र। त्र अगर लिखना हो तो त्र लिखने के लिए आपको पता होगा कि आपको कोई भी वर्ड नहीं मिलता है, सॉरी कोई भी बटन नहीं मिलता है। त्र लिखने के लिए आपको आधा त और पूरा र का इस्तेमाल करना होता है। तो उसके लिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि छात्र में त्र कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए आपको Alt+0165 की का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप त्र लिख पाएँ। आगे देखते हैं ट्र। ट में आप नीचे की ओर देख रहे हैं, जब र का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो इस तरह का एक शेप ले लेता है, और इस तरह के शेप को लाने के लिए आपको जो वर्ड यानी कि जो कोड इस्तेमाल करना है वो है Alt+0170। नेक्स्ट देखते हैं आधा त्र। अब दोस्तों, आधा त्र, एक तो पूरा त्र लिखना ही कठिन वाली काम हो गई, लेकिन आधा त्र तो और मुश्किल है, और ये तो मुझे लगता ही नहीं है कि आप लिख पाओगे। तो इसके लिए अगर आपको कोड नहीं पता हो तो ये असंभव सा हो जाता है लिखना, और अगर एग्ज़ाम्स में आ जाए तब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जिसको आप लिखना नहीं जानते उसका कोड कैसे बना पाओगे। तो इसके लिए जो कोड है वो होता है Alt+0171। जब आपको अल्ट कंटिन्यूसली प्रेस करना होता है और 0171 यानी कि 0171 ये आपको टाइप प्रेस करना होता है, तो फिर आपको आधा त्र लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं आधा य। आधा य लिखने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो है Alt+0184। कभी कभी ये उल्टा भी पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन में आएगा Alt+0184 किसके लिए कोड यूज़ किया जाता है, तो वो आधा य के लिए है। तो दोनों ही तरह से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे देखते हैं आधा फ। आधा फ लिखने के लिए जो कोड है वो है Alt+0182। और सेम चीज़ उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है कोष्ठक बंद, यानी कि कोष्ठक जो छोटी कोष्ठक होती है उसे बंद करने के लिए जिस कोड का इस्तेमाल करना होता है वो है Alt+0189 0189, यानी कि
अल्ट प्लस 0189 अगर आप दबाएंगे तो आपका कोष्ठक बंद हो जाएगा, और यही कोष्ठक अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए अल्ट प्लस 0188, अगर आप अल्ट प्लस 0188 करते हैं तो कोष्ठक शुरू होता है, और अल्ट प्लस 0189 करते हैं तो कोष्ठक बंद होता है। अब आगे देखते हैं, अगर बड़ी ऊ की मात्रा आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, तो बड़ा ऊ लिखने के लिए आपको अल्ट प्लस 0197 टाइप करना होगा, तभी आप इस कोड को लिख पाएंगे। आगे देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर एक गद्दा है, गद्दा में द किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें अगर आप इसको विवृत करते हैं तो ये पहले है आधा द और फिर है पूरा द, और इस तरह से ये बन गया गद्दा, और इसका शेप लिखने का आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो एग्ज़ाम्स में यही पूछता है कि इस तरह से लिखने के लिए आपको किस कोड की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो कोड की आवश्यकता पड़ेगी वो कोड है अल्ट प्लस 0204। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम्स के लिए ही आप पढ़ें, ये क्वेश्चंस आपको टाइपिंग में भी ज़रूर हेल्प करेंगे, और बहुत जगह इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, और बहुत से बच्चे ऐसा लिख भी नहीं पाते हैं, इस कारण से अगर आपको कोड मालूम है तो आप आसानी से ये यूज़ कर पाएंगे। आगे देखते हैं, अगला है खट्टे। आप विवरण में देख पा रहे खट्टे लिखा हुआ, और यहाँ पर ट लिखने का ढंग क्या है, तो आप अगर पेन से लिखना है तो आप तो आसानी से लिख पाएंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर में लिखना है तो कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो कोड है अल्ट प्लस 0205। अल्ट प्लस 0205 कोड यूज़ करते हैं हम खट्टे में ट लिखने के लिए। आगे देखते हैं, अब क्रिकेट में देखिए क्र कैसे लिखा हुआ है, ये क्र आपको टाइप करने के लिए आधा क और पूरा र का यूज़ करना पड़ता है, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो जो हम कोड यूज़ करेंगे वो कोड है 0216 अल्ट के साथ, यानी कि अल्ट प्लस 0216। आगे देखते हैं फ्रांस, फ्रांस में फ्र देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं, ऐसे तो बहुत से अक्षर बनते हैं, हर वर्ड में हर वर्ड का आपको कोड मिलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको अपने तरीके से लिखेंगे बिना कोड को जाने या फिर टाइप करेंगे तो वो कुछ अलग प्रकार से आएगा, आधा फ और पूरा र लिखा हुआ आएगा, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो अटैचमेंट मिलता है। तो ये कोड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और इसीलिए आपको ये कोड जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर फ्र लिखना है तो फ्र लिखने के लिए अल्ट प्लस 0221 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे ह्रास है, ह्रास में आप ह और र देख पा रहे हैं, तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो है अल्ट प्लस 0225। ये हर है, इसके में आपको यूज़ करना है 0225, और आपको मिल जाएगा ह्रास, ह्रास का ह और उसमें उसके साथ र का जो मात्रा है, ये दोनों आपको अल्ट प्लस 0225 टाइप करने पे मिलेगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हृदय है, हृदय आप जानते ही होंगे किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे ह के साथ ये हृदय इस तरह से आता है, ह यहाँ पे अगर इस तरह से होता यहाँ पे तो सही, ज़्यादा उचित होता यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ आपको लिखना है हृदय का, मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये ह है और यहाँ पे इस तरह से इसका र का मात्रा आता है, तो अगर ये टाइप करना है आपको, यानी कि एक छोटी सी इस तरह की एक मात्रा होती है जो आपको ह के नीचे लगानी होती है, और अगर वो लगानी है ह में तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो है अल्ट प्लस 0226। अगर आप अल्ट प्लस 0226 इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर जैसा मैंने लिख के बताया था वो लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे भक्ति में क और त एक दूसरे से अटैच हो गए हैं और अपने कुछ भाग को छोड़ भी दिए हैं, क का अगला हिस्सा जो गोल जाता है वो गायब भी हो गया है, तो इसे टाइप करने के लिए अल्ट प्लस 0228 लिखते हैं, और एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाता है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका कोड जानना, तो इसीलिए आप इसे रट्टा ज़रूर मार लें। नेक्स्ट है आधा न और पूरा न, यानी कि अन्न में जो न लिखा हुआ है ये, इसे लिखने के लिए जो कोड है वो है अल्ट प्लस 0233, यानी कि 0233
अल्ट के साथ। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए स्रोत है, स्रोत में क्या है, आधा स, आधा त और पूरा र। तो ये लिखने के लिए, वही अगर आपको स्त्री भी लिखना है तो इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये टाइप करना और भी कठिन है। तो इसको टाइप करने के लिए आपको जो कोड है वो है 0243 अल्ट के साथ। तो और एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार तो स्त्री से क्वेश्चन आता है और उसमें कहा जाता है कि स्त्री का अस्त्र कैसे लिखेंगे। आगे देख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा भी दो तरह का होता है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्ट होता है जो कि ये है, जो इस तरह से आपको मिलेगा, और एक होता है बंद करने वाला जो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ही लिखने के लिए अलग अलग कोड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने अल्ट प्लस 0222 का इस्तेमाल बताया है ये वाला कॉमा लिखने के लिए, और अगर आपको ये कॉमा का इस्तेमाल करना है तो अल्ट प्लस 0223 का इस्तेमाल करना है। यानी कि एक इसमें यहाँ पे मैंने लिख के नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा चालू करना है तो आप यूज़ करेंगे अल्ट प्लस 0222, और अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है तो आप यूज करेंगे अल्ट प्लस 0223। आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं गट्ठर। गट्ठर में ट और ठ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, यानी कि पूरा ट है, सॉरी पूरा ठ है और आधा ट है, यानी कि आधा ट पहले लेंगे और पूरा ठ लेंगे उसके बाद। तो ये लिखने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है अल्ट प्लस 0206, 0206 अल्ट के साथ। आपको इस तरह से याद रखना है 0206 अल्ट के साथ, तो काफ़ी आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। आगे देखते हैं चिन्ह लिखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए न यहाँ पे आधा है और ह पूरा है, लिखते हैं पढ़ने में आपको चिन्ह लग रहा है लेकिन ये चिन्ह हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे जो कोड यूज होगा वो होगा 0224 अल्ट के साथ, यानी कि अल्ट प्रेस कंटिन्यूसली रहेगा और 0224। आगे देख लेते हैं ब्रह्म। ब्रह्म में पूरा म है और आधा ह है, पहले आधा ह आएगा और फिर पूरा म आएगा, तो उसको इस तरह का शेप देने के लिए जो कोड आप यूज करेंगे वो कोड है अल्ट प्लस 0227, यानी कि 0227 अल्ट के साथ। तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट कोड वर्ड्स जो कि आपके टाइपिंग के स्किल्स को काफ़ी सुधार देंगे, और एग्ज़ाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अर्न करने के लिए। और अभी पंचायत सचिव के लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और भविष्य में भी इस तरह की परीक्षाएं अगर होती हैं तो वो आपको काफ़ी उसमें हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के कुछ अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।